इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरबियत का इंतजाम फरमाया कि मेहनत के वो आमाल अता फरमाए जो हमारे कुव्वत फिक्र में भी तरक्की का जरिया और कुव्वत अमल में भी तरक्की का जरिया है। तो गश्त के अमल का एहतमाम ये तमाम अंबिया अलैहिम सलाम की सुन्नत है। बेगर्ज होकर एक एक के दरवाजे पर जाना इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़ी कीमत है। तो गश्त के जरिए से क्या चाहा जा रहा है, तो फरमाया कि गश्त का मतलब है कि हमें बाजारों में दायाना और जाकराना तरीके पर फिरना आ जाए, ये हमारी गर्ज है कि बाजारों में दायाना और जाकराना तरीके पर फिरना आ जाए। तो गश्त के अंदर दायाना और जाकराना सिफात जमा की जाएंगी तो हक ताला शान वो दिन दिखा देंगे कि जब कभी बाजार जाएंगे तो दायाना और जाकराना सिफात के साथ बाजार में जाएंगे। लेकिन इसका एहतमाम तो गश्त के अंदर जो एहतमाम करेंगे अल्लाह के खजानों से सिफत उनको मिल जाएगी, जो कितनी बड़ी बात है। और इसकी अहमियत के बारे में बात फरमाई कि तबलीगी अमल में कुव्वत और तरक्की के लिए और फराइज की हयात और सरसब्जी के लिए गश्त बमंजिला जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसके बगैर तबलीगी काम की मशगूली सरासर धोखा है। तबलीग के काम में से गश्त को निकाल लें तो काम की जान तो निकल गई। अलबत्ता इसके जो उसूल तजवीज किए गए हैं उसूलों की पाबंदी के साथ गश्त किया जाएगा तो तरक्कियात और बरकत हासिल होंगी, और अल्लाह ना करे उसूलों को कुर्बान किया जाएगा तो ये गश्त फितने का जरिया भी बन सकता है। जिस तजारत के अंदर मुनाफा ज्यादा हो उसमें नुकसान भी ज्यादा हो जाता है। तो इसके जो आदाब सिखाए गए हैं उनको सामने रखना है कि कैसे निगाहों की हिफाजत हो, जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, दिल में पूरी उम्मत का दर्द और गम हो, हमें वकार के साथ चले, और दुनिया की किसी चीज के ऊपर जो है अगर निगाह चली भी जाए ना, अगर किसी मकान की तरफ निगाह चली गई तो फौरन ये ख्याल हो कि मिट्टी के डले हैं, ये मिट्टी के डले हैं, किसी चीज से भी जो है ना दिल हमारा मुतासिर ना हो, अल्लाह की तरफ मुतासिर रहे। अंबिया अलैहिस्सलाम किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हक ताला शानहू उनको नमूना बनाया कि वो एक एक के दरवाजे पर बेगर्ज होकर जाते थे। तो इस बात की भी पूरी फिक्र की जाए कि इसके जितने भी अदाब है, मुतकल्लिम की बात को तवज्जो ध्यान के साथ सुनना। बाज दफा ये गुमान होते हैं कि जिसके दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुतकल्लिम की बात बस उसी के लिए है, नहीं बल्कि गश्त में जितने साथी साथ जा रहे हैं वो अपने जिक्र को रोककर मुतकल्लिम की बात तवज्जो ध्यान के साथ सुने। जिसके दरवाजे पर गए उसने एक बार सुना, दूसरे के पास गए उसने भी एक बार सुना, लेकिन जो गश्त में साथ चलने वाले हैं उन्होंने बार बार सुना। तो दावत का जबान से कहना भी दावत है और कानों से सुनना भी दावत है, तो इसका भी एहतमाम किया जाए। फिर जिस साथी के हिस्से में मशवरे में जो अमल तय हो जाए तो उसको हल्का ना समझे, ये गुमान